खबर फरुखाबाद से है। एक्टिव मोड में दिखे डीएम संजय कुमार सिंह, जिला अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीएम ने रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया। ठंड के प्रकोप को देखते हुए देर रात व्यवस्था परखी है। डीएम ने रात में जरूरतमंदों को कंबल भी वितरित किए। अलाव की व्यवस्था को लेकर ईओ को फटकार भी लगाई है। डीएम संजय कुमार सिंह ने ईओ को सख्त निर्देश दिए हैं, हर जगह अलाव में पर्याप्त मात्रा में लकड़ी रहे। डीएम ने ये कहा है, 11 रैन बसेरों शेल्टर होम में 225 बेड की व्यवस्था की जाए, हर जरूरतमंद तक कंबल भी पहुंचाया जाए, ये डीएम ने कहा है। तो ठंड के बीच लगातार औचक निरीक्षण जारी रहेंगे, डीएम ने ये कहा है। साथ ही लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। लोग रात में हमारी पूरी राजस्व की टीम है, भ्रमण के लिए निकले थे, अलाव वगैरह चेक किया, सब ठीक जगह जो उनके निश्चित स्थान थे वहाँ जलते हुए पाया। और जो रैन बसेरे हैं उसमें अच्छी व्यवस्था थी और काफ़ी लोग रुके भी हुए थे। तो कुल मिलाकर के हमारे 11 रैन बसेरे और शेल्टर रूम चल रहे हैं, इसमें 225 की कैपेसिटी है, संख्या भी ठीक ठाक पाई।